जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज तारीख है 11 दिसंबर 2021 और हम इस वक्त हैं दुनिया की टॉप मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से एक, सीरिया में। ये हमारा सीरिया में तीसरा दिन है और अभी हम हैं हामा शहर में सीरिया के। यहाँ से हम जाएंगे अलेपो सिटी की तरफ। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गोइंग टू स्कूल? स्कूल, गुड, बाय बाय। सीरिया में 3 दिनों में इतना मतलब ख़राब देखा हालात को, जो गोलियां वगैरह लगी हुई थी यहाँ पर दीवारों पे, बमबारी, जो बिल्डिंग्स टूट गई, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल, सब कुछ टूट गया यहाँ की सिविल वॉर के चक्कर में। और फिर भी यहाँ के लोग बेचारे जैसे भी हैं जी रहे हैं ज़िंदगी को अपनी, और जीना तो पड़ता है मैडम जी। ये डायलॉग था सनी देओल की गदर पिक्चर का, कि कुछ भी हो, ज़िंदगी कैसी भी हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी। तो वो जो डायलॉग था वो यहाँ आकर देखा कि जीना तो पड़ता ही है। सीरिया के लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। देश बहुत सस्ता है यहाँ पर, खाने पीने के लिए बहुत सस्ता है। मतलब अगर डिनर करने बैठे तो 500-600 रुपये में 2 से 3 लोग आराम से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। तो कंट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन सिविल वॉर ने सब कुछ ख़राब कर दिया। और हमारी तरफ से किसी को भी, मेरी तरफ से किसी को भी सजेशन नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ आएँ। जब सिचुएशन अच्छी हो जाए तो ज़रूर आएँ, कंट्री बहुत अच्छी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अलेपो की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे टूर गाइड हैं और मेरे साथ सफ़र कर रहा है मेरा प्यारा दोस्त परमवीर बेनीवाल। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सैंडविच, ओके, हैंडसम। रोटी लेके जा रहा था बच्चा बाइक पे। चलो, हमारा होटल बाहर ही है पास में जहाँ मैं खड़ा था उसके। होटल के लोग जो हैं वो अच्छे हैं, सर्विसेज जहाँ पे होती हैं ऐसे, मतलब बड़े होटल जो होते हैं वहाँ पर लोग अच्छे ही होते हैं। वैसे भी सीरियन और जॉर्डेनियन ये लोग बहुत अच्छे मिले, जॉर्डेनियन लोगों का कोई जवाब ही नहीं था। बाकी अपने बॉलीवुड ने हिट कर रखा है इंडिया को, इंडिया वाले जहाँ जाते हैं वहाँ बॉलीवुड की वजह से हिट हो जाते हैं। और ये ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है, शानदार। मी गुड पर्सन, बाय बाय शाहरुख खान। शाहरुख खान ने हमें भैया बचा रखा है यहाँ पर। तो सीरिया में पुलिस रोके कोई बंदा मिले शाहरुख खान, शाहरुख खान कहते ही छोड़ देते यार, हंसने भी लग जाते, अच्छे से ट्रीट करते हैं। थैंक यू भाई शाहरुख खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? गुड। रात को ये रेस्टोरेंट बिल्कुल फुल था, बहुत मतलब पब्लिक थी यहाँ, बाहर से लोग बहुत आ रहे थे। पता नहीं क्या है, बाहर तो यहाँ लोग दिखते नहीं, अंदर रेस्टोरेंट वगैरह में भरे होते हैं, बहुत लोग थे यहाँ पर। यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर बैठ के 500-600 रुपये में 2 लोग बहुत पेट भर के खाना खा सकते हैं। और खाना भी मतलब ऐसा डिलीशियस फूड था कि 10-12 दिन में हमने ऐसा फूड नहीं खाया, मज़ा आ गया। गुड एम्बियंस, गुड फूड, मज़ेदार। और ब्रेकफास्ट का हमारा टाइम है, कहाँ है, आई थिंक ब्रेकफास्ट टेबल पे लग चुका है। ब्रेकफास्ट में है ऑमलेट, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, चीज़, और ये दही वगैरह, चटनियाँ, ग्रीन सैलेड और रोटी। यहाँ पर वेजिटेरियन भाइयों के लिए खुशखबरी है कि ये जो खाना है इसमें कोई भी वेजिटेरियन आदमी आराम से सर्वाइव कर सकता है, पेट भर के खाया जा सकता है। इनकी जो हम्मोस और ये चटनियाँ टाइप की ये चीज़ें, सॉसेज वगैरह, ये बहुत स्वाद होती हैं, इनसे आराम से रोटी खाई जा सकती है। और वैसे भी यहाँ के लोग तो रूखी रोटी खाते रहते हैं, मक्खन वगैरह के साथ भी नहीं लगाते, ऐसे ही रूखी खाते रहते हैं। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलेंगे। मक्खन ले आया है ये, बटर जिब्दा है। एक तो ये बड़ी बसड़ है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती। ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज के हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ जुड़ गया है मेरा प्यारा भाई परमवीर बेनीवाल और मिस्टर गजवान, जो हमारे टूर गाइड हैं। इस टूर में 3-4 दिन हम लोग साथ रहने वाले हैं। और ये हमारी कार चेवरले ऑप्ट्रा, चल रहे हैं अब अलेपो की तरफ। अलेपो यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या टाइम लगता है पता नहीं। सामने भीड़ लगी हुई है, किस लिए लगी है ये देखते हैं जी। Taking rice and sugar.
ओके, सरकारी राशन की दुकान थी इसलिए लाइन लगी हुई थी। हम निकल आए हैं बाहर चौक पे। हमा शहर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में तो, लेकिन तहस नहस देश का हाल जो हुआ है वो क्या मिलता है यार। इंसान देखो कैसी चीज़ है, नहीं इंसान अपना ही नुकसान कर लेता है। और 21वीं शताब्दी में आके भी ये हाल कर रखा है इंसान ने खुद का। पावर का नशा इतना मतलब ज़्यादा ख़राब हो सकता है इस देश में आके पता लग रहा है। हामा सीरिया के पश्चिम मध्य में बसा सदियों पुराना शहर है, जो कि राजधानी दमास्कस से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है। दमास्कस, अलेपो और होम्स के बाद हामा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार इस शहर की कुल आबादी लगभग 9,40,000 है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हामा सीरिया का एक अहम केंद्र रहा है, जहाँ देश विदेश से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते जाते रहे हैं। अभी हम रुके हैं हामा शहर के एक अट्रैक्शन पे। हामा शहर जो है वो बहुत ही पुराना बसा हुआ शहर है, और यहाँ से एक रिवर भी जाती है, ओरिएंटस रिवर इसका नाम है, जो कि लबनान से तुर्की तक जाती है। लगभग 570 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, और जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं यहाँ पर रिवर कम गहरी हुआ करती थी, जहाँ से पानी निकालने के लिए इन्होंने ये सिस्टम लगा रखा है। ये सिस्टम इंडिया में भी हमने कई जगह देखा, वहाँ थोड़ा छोटा होता, लेकिन ये जो यहाँ पर लगा हुआ है उससे पता लग रहा है कि बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना भी हो सकता है ये जो यहाँ पर लगा हुआ सिस्टम है। पवन चक्की कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दो नाम है इनके। लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, और कल्चरली भी वेरी स्ट्रिक्ट ये शहर है। हामा शहर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ जो लेडीज़ हैं उन्होंने ज़्यादातर बुरके पहने हुए हैं, और शहरों में सीरिया के ऐसा हमने नहीं देखा था। Is this beans? This is beans. You want to try it? One. Yeah. ये पता नहीं क्या राजमा से खा रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारे वहाँ कॉर्न मिलते हैं ऐसे ही राजमा मिल रहे हैं। कॉर्न भी यहाँ बहुत पॉपुलर है, मतलब जॉर्डन में थे यहाँ नहीं देखे, यहाँ ये राजमा दिखे, जॉर्डन में भी ये राजमा से थे। ओनली वन। इट्स हॉट। इट्स हॉट। केयरफुल। ओके। कम टू हियर। Try this. This is salt. Salt, बहुत गर्म है यार। It's good. Good. कच्चे से राजमा है। Can you speak English? Yeah, I can speak. And do you speak? Of course, I'm engineer. Engineer? What are you doing here? I work, just work. Work? Yeah. So? I'm petroleum engineer. Ah, so why don't you work in the engineering company? Because I'm new graduate. Okay. I try to find my work, but it's not. No work here? No work, no work. Because of war? War. The conditions? I want to travel. Yeah. Sure. Where? Anyone, any country. Any country. Okay. Good. Best of luck. Thank you. Shukran. Welcome. It's nice. तो भाई ये जो बीन्स बेच रहा था भाई, ये इंजीनियर है, लेकिन कहीं जॉब वगैरह नहीं मिल रही, इसलिए अभी कहीं उस चांस नहीं बन पा रहा यार। बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, देखो इतना हैंडसम लड़का इंजीनियर, लेकिन काम क्या कर रहा है वो देखो। बाहर की ट्राई कर रहा है, इंशाल्लाह इसको जॉब मिल जाए। मतलब आपको स्मूथ भाषा हाजमा बस स्मूथ भाषा राधा है। सही कह रहा, तू जो कह रहा है सुन लिया। गुड। इंग्लिश अरबी सॉरी अरबी हिंदी 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 नो इंग्लिश। भाई तुम अरबी बोलोगे, हम हिंदी बोलेंगे, हम क्यों इंग्लिश बोलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैमरा देख के तो यहाँ पर लोगों को आदत क्या हो सकती है, हो ही नहीं सकती आदत तो यहाँ कैमरा की। चलते हैं बाहर कार के पास, नहीं तो लोग ऐसे ही घूरते देखते रहेंगे। सावर फोटोग्राफ मान ले। क्या फोटोग्राफ नाम? मनोज। मनोज अलिन इंडिया।
नमस्कार। इंडिया, यस इंडिया, हिंदी नो अरबी। चलो कहीं तो यहाँ हंसते हुए चेहरे दिखे, खैर यहाँ पर लोग थोड़ा हंस रहे हैं। हाँ क्या हुआ तुझे इधरा, क्या चाहिए क्या चाहिए? हाँ आ जा गाड़ी तक आ जा बेटा, कोई बात नहीं। तू सिगरेट दिखा, सिगरेट पीता है दिखा, सिगरेट। इनका कल्चर ही ऐसा है, क्या करें। रुक जा रुक जा बेटा रुक जा, चल जा। कल्चर ही ऐसा है भाई, क्या करें, सिगरेट पिएगा। वैसे बच्चों को देता नहीं हूँ मैं पैसे वगैरह, लेकिन यहाँ पर बच्चे यार क्या करें, कुछ नहीं किया जा सकता। क्या शाहरुख खान? शाहरुख खान हाँ, अपना भाई है, भाई है अपना शाहरुख खान। तुम्हें भी शाहरुख खान चाहिए भाई? शाहरुख खान कमाल है। शाहरुख खान साहब आप इस वीडियो को जरूर देखना, कोई ना कोई भाई शाहरुख खान पे भेज देना ये वीडियो। और शाहरुख खान साहब कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है आपकी यहाँ तो भाई, पता नहीं शायद इंडिया में हो ना हो इतनी, अरब कंट्रीज में कमाल की कमाल। कोई ऐसा मतलब यंगस्टर बूढ़ा बच्चा नहीं है जो शाहरुख खान, हमें बचा रहे हो आप यहाँ पर, जो मिलता है बड़े प्यार से शाहरुख खान की वजह से प्यार से मिलता है। पुलिस ने रोक लिया है, क्या कह रहा है वीडियो? अच्छा हंसते रहो, अल्लाह हाफिज, खुश रहो, मा सलाम, मा सलाम, सलाम, नमस्ते। हामा शहर ने 2011 में हुई सिविल वॉर के अलावा भी एक खूनी नरसंहार को झेला है। जब सन 1982 में प्रेसिडेंट हाफिज अल असद और मुस्लिम ब्रदरहुड सोसाइटी के बीच हुए संघर्ष में हजारों निर्दोष नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सीरिया के कुल 14 राज्यों में से राजधानी दमास्कस के अलावा सीरिया में हामा ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं मिलती। फिर से राशन की दुकानों पे भीड़, सीरिया ट्रेडिंग कंपनी white and the, called Ablak, Ablak style. हामा शहर से हम बाहर निकल गए हैं और अलेपो यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है। परमवीर एक बार चेक पॉइंट गिनेंगे आज कितने आ रहे हैं 130 किलोमीटर में, राइट? लिखते रहे वो याद कराते रहेंगे। एक चेक पॉइंट गया अभी तक जो हामा सिटी से बाहर हमें जिसने निकाला, और बाकी के चेक पॉइंट गिनते हैं 130 किलोमीटर में कितने चेक पॉइंट आएंगे। अभी तक हमने सिर्फ 25 किलोमीटर का रास्ता जो है वो पार किया है। 25 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी घर थे या तो वो नए बन चुके हैं या कोई घर पुराना है तो वो उस पर बिल्कुल गोलियों के निशान हर घर पे हैं, और या जो भी रास्ते में शहर आए गांव आए पूरे के पूरे खाली थे, पूरे खाली गांव, कोई उनमें नहीं रह रहा। और इतने शानदार घर थे कुछ तो बने हुए, मतलब कोठी बंगले टाइप मान लो, वो भी सब खाली। मतलब लोगों को कैसे जाना पड़ा होगा यहाँ से, हद की बात है, कितनी परेशानी हुई होगी उन्हें अपने इतने मतलब महल जैसे घरों को छोड़ के, और वो शायद दूसरे देशों में भिखारी की ज़िंदगी जी रहे होंगे, एक शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। क्या हाल हुआ। तो चेक पॉइंट एक हमारे सामने आ गया है, चेक पॉइंट नंबर 2। इतने भी एक घर थे रास्ते में, खाली पड़े थे, और कुछ घरों में कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन वो सब या तो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं, या कोई सरकारी लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आर्मी वाले हैं। और जो ये एरिया है, मतलब ये इतना रिच है अपना खेती के लिए कि यहाँ पर आम जो पेड़ भी है वो पिस्ते का लगा हुआ है। ये छोटे छोटे पेड़ अगर आप देख पा रहे हो, जो भी आपने रास्ते में पूरे पेड़ देखे हैं, छोटे छोटे सब पेड़ पिस्ते के हैं। और पिस्ता आप समझते हो कि कितना महंगा एक ड्राई फ्रूट होता है,
और यहाँ सारे एरिया में जो भी ये रीजन है यहाँ पर सारी जगह पिस्ते के पेड़ लगे हुए हैं। कितने अमीर हुआ करते होंगे ये जो एरियाज हैं उस वक्त, लेकिन आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम लगभग 50 किलोमीटर ही चले हैं और हलीपो यहाँ से 80 किलोमीटर अभी और है। रास्ते में कम से कम 10-15-20 ऐसे विलेजेस, ऐसे टाउन्स आए जहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं था, अबेंडेंट थे बिल्कुल। और ऐसे शानदार जो आलीशान घर आप मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, बहुत शानदार रहा होगा किसी टाइम। और ये जो विलेज है इसका ओमार नोमान करके कुछ नाम है, और इसके सामने भी बहुत शानदार ये बिल्डिंग है। मतलब देख के अजीब सा फील हो रहा है कि यार इतने बड़े बड़े घर के लोग कैसे इन घरों को छोड़ के गए होंगे, और जो ये गोलियां और बम वगैरह लगे हुए हैं इन घर पे, इन घरों पे जो इनकी हालत हुई होगी उस वक्त, कैसे लोग अंदर होंगे, इनके बच्चे होंगे, गोलियाँ चल रही होंगी दीवारों पर, गोलियाँ लग रही होंगी, अंदर लोग होंगे, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही होगी, क्या हाल हुआ होगा। सामने अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सामने पूरा का पूरा शहर बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी शानदार शानदार कोठियां हैं इधर। और अभी अभी एक और चेक पॉइंट गया है जो कि था चेक पॉइंट नंबर 3। 3 चेक पॉइंट गए हैं, कम ही आ रहे हैं इस रास्ते पे क्योंकि ये मेन हाईवे है। जो अंदर के रास्ते हैं उन पे हर मतलब 1 किलोमीटर के बाद ही आ रहा था चेक पॉइंट कल, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा चेकिंग भी थी। जो हाईवे वाले हैं इन पर ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं कर रहे, ये हमारे जो साहब हैं गाइड साहब, इनका वो देखते हैं कार्ड वगैरह और जाने देते हैं। रास्ते में जगह जगह बोर्ड आ रहे हैं वेलकम टू इदलिब। इदलिब अभी एक ऐसा प्रांत है जो यहाँ की गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं है। इदलिब शहर के अंदर शायद यहाँ की गवर्नमेंट नहीं जा सकती और हम भी इदलिब की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इदलिब यहाँ से 20-1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो शहर दुनिया का मोस्ट डेंजरस शहर भी माना जाता है इस समय। लेकिन अंदर जो हैं वहाँ यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं वही लोग हैं डेंजरस, तो क्योंकि लड़ाई हो सकती है इनकी आपस में कभी भी, और अगर यहाँ की गवर्नमेंट एंट्री करने की कोशिश करेगी तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई होगी, वॉर हो जाएगी अगेन। जो थोड़ी सी रुकी हुई है वॉर, वो फिर से उसकी आग भड़क जाएगी। इसलिए शायद उसको इदलिब को दुनिया की मोस्ट डेंजरस सिटी कहते हैं, और हम बहुत पास से गुजर रहे हैं उस सिटी के, लेकिन हम हाईवे पे हैं और हम जा रहे हैं अलीपो की तरफ। और फिर से हमें एक चेक पॉइंट पे रोक लिया है, यह है चेक पॉइंट नंबर 4। अलीपो सिटी में एंट्री हम कर चुके हैं, हमारे जो गाइड साहब हैं वो गए हैं बात करने, और डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं, और हमारे पासपोर्ट भी हमने आगे ही रखे हुए हैं क्योंकि बार बार चेकिंग हो रही है पासपोर्ट्स की, और पासपोर्ट दिखा के ही जाने दिया जाता है कि भाई ये टूरिस्ट हैं। बार बार बोलते हैं टूरिस्ट हैं, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह के जो पेपर हैं वो इनके पास हैं, गाइड के पास, तो जाके ये दिखाते हैं, बात करके आते हैं, लेकिन हर जगह रोका जा रहा है। अभी अलीपो है जो स्टेट, ये भी वॉर के लिए काफ़ी पॉपुलर रही थी, काफ़ी इस रीजन में वार रही थी, लेकिन 2016-17 के आसपास आते आते जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने इस जो शहर को है वो अपने अंडर वापसी ले लिया। रजवान साहब अभी भी पूरा मतलब जोश में हो आप, है ना, जीवन के कट ऐसे मार रहे हैं भाई खतरनाक तरीके से, पूरे जोश में हैं। उम्र का लिहाज करो चाचा जी,
What is the price of the cars here? Like your car? Like this one? Yes. 10,000 US dollars? How can people afford it? Very expensive for Syria. भाई 7.5 लाख रुपए की Chevrolet Optra. 10,000. लेकिन इंडिया से तो सस्ती है ना Chevrolet, महंगी होगी यार Optra 7.5 लाख की तो नहीं होगी इंडिया में. And the new one? Oh, new Korean one in same size. Mm-hmm. Same size, something like around 50. Around 50? 50. Oh, sorry, 35-39 lakh rupees ki. Yeah, kisne ka? And what is the ticket price? Chalan? Fine. Yes. Depends. Depends. Many fines. For red? For stop the car in, yes. In the forbidden areas, the crossing red light. Minimum and maximum? Minimum was $3. $3? $3 US dollars. Okay. And maximum? Maximum for 10, I think. 10 US dollars. 750 rupees. 200 to 750 chalan. So you cross karte hoge khub? Correct. You ever jump the red lights and park anywhere because it's no, cheap? No. If across the light, something like $10. But how are people still affording cars? Because the economy. We have many rich people in Syria. So, हम Aleppo city में entry कर चुके हैं. काफी शानदार मस्जिद हमारे पीछे गई है. बहुत ही beautiful, बहुत ही बड़ी मस्जिद थी. अलेपो शहर, जिसको एंशिएंट सिटी ऑफ अलेपो के नाम से भी जाना जाता है, सीरिया का एक ऐतिहासिक शहर है जो कि सीरिया के उत्तर पश्चिम भाग में बसा है. अलेपो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में एक माना जाता है. आबादी के हिसाब से अलेपो राजधानी दमास्कस के बाद सीरिया का दूसरा बड़ा शहर है. 2021 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है. अलेपो सदियों से सीरिया के व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है. पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा ऑलिव और कॉटन सीरिया के मुख्य उद्योगों में रहे हैं. इजिप्ट के बाद सीरियन कॉटन विश्व में सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है. तो कोई 2.5 घंटे बाद हम पहुंचे हैं अलेपो सिटी में और दर्दनाक नज़ारा वही जो पूरे सीरिया में हमें देखने को मिला. शानदार बिल्डिंगें लेकिन टूटी हुई, गोलियां लगी हुई, बुरे हाल. मेरे पीछे आप शटर देख सकते हैं.